नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलेवर में ईद उल जुहा पर ईदगाहों में की नमाज अदा, देश में अमन चैन की दुआ की। ईद पर अपनी बहन को कपड़े देने गए भाई की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, मृतक भांजे के साथ लौट रहा था अपने गांव। अलवर शहर में चोर सक्रिय है, चोरों ने तीसरी बार इस दुकान में की है चोरी। पेयजल की मांग को लेकर शहर के बजाजा बाजार में महिलाओं ने लगाया जाम, जाम से यातायात हुआ प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी पर भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी व रोटरी शक्ति भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में सोनी हॉस्पिटल यूआईटी सेक्टर 6 के सामने शीतल व मीठे जल की छबील लगाई गई। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मीठा पानी पिलाया गया, जिसमें भारत विकास परिषद से रीजनल वित्त सचिव सीए राकेश गुप्ता, डॉक्टर रूप सिंह, संजीव अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी, सचिव सुनीता यादव, कोषाध्यक्ष रूपेश सर्राफ, सुरेंद्र यादव, श्रीमती मीनाक्षी सोनी, श्रीमती अर्चना नाकरा व रोटरी शक्ति के अध्यक्ष रितिबा नाहटा, शालिनी वर्मा, नेहा महेश्वरी आदि ने जल पिलवाने में अपना श्रमदान दिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैच हुए, जिसमें पहला मैच खन्ना टाइगर्स और यूके ब्रदर्स के बीच हुआ। टॉस खन्ना टाइगर के कैप्टन धर्मेंद्र ने जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यूके ब्रदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 184 रन बना पाए। दूसरी पारी में खन्ना टाइगर्स के खिलाड़ी जतिन ने 41 बॉल में 41 रन बनाए। धर्मी ने 31 रन 16 बॉल में बनाए, पर अपनी टीम को जीत दिलाई। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक कोरस सिंह ने बताया कि आज के इस मैच में खन्ना टाइगर्स विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आशीष नेगी रहे। दूसरा मैच विकिंग वॉरियर्स और हर्ड हीटर के बीच हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए विकिंग वॉरियर्स ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 216 रन बनाए, जिसमें विकिंग वॉरियर्स के गौरी सर ने 33 बॉल में शानदार 56 रन बनाए। साथ ही विनोद यादव ने 22 बॉल में 59 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच विनोद यादव रहे। वहीं हार्ड हीटर 202 रन पर 9 विकेट खोकर मैच हार गई। तीसरा मैच द आरआरआर स्पार्टन और देवन क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। पहले बैटिंग करते हुए देवन क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 170 रन बनाए। दूसरी पारी में आरआरआर स्पार्टन ने 15 ओवर में 10 विकेट खोकर 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। देवेन क्रिकेट क्लब के मयंक ने 23 बॉल में 50 रन बनाए। इस मैच में मैन ऑफ द मैच सोनू गुजर रहे। शाहजहांपुर कस्बे के समीपवर्ती गांव मोलावास के बाबा जालदास मंदिर प्रांगण में मुस्कान केयर मेमोरियल सोसाइटी द्वारा तृतीय तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2023 में राजकीय सेवाओं में चयनित शिक्षा खेलकूद आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 110 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर व मुंडावर विधायक ललित यादव थे। विशिष्ट अतिथि नवचयनित आईएएस जतिन कुमार, समाजसेवी इंद्र यादव, जिला पार्षद भीमराज यादव, सोनी देवी हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर दीपिका यादव, इंदू हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक यादव, जाट बहरोड सरपंच सुरेंद्र चौधरी, सोहनलाल कॉलेज निदेशक नीरज यादव, बीवीडी संस्थान निदेशक अशोक चौधरी थे, जबकि अध्यक्षता स्थानीय सरपंच अजीत यादव ने की। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक कौशिक ने किया। सोसाइटी सचिव महेश कुमार ने छात्रों से मन लगाकर पढ़ाई करने व खेलकूद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोसाइटी अध्यक्ष सहीराम व कोषाध्यक्ष लक्ष्य चोपड़ा ने अभिभावकों से पढ़ाई को लेकर बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाने व उनको तनाव से बचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उप सचिव नरेश कुमार व भीम सिंह, गुलाब सिंह, ओकेश कुमार, सचिन कुमार, रविन्द्र मनेठी, मनोज मनेठी, सत्यवीर पर्यावरण प्रेमी, पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, रतन यादव, संदीप मेहता आदि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। विधायक रमेश खीची ने 45 लाख की लागत के ग्राम पंचायत मंगोलकी के पंचायत भवन और 5 लाख की लागत से गालाखेड़ा में बनाए गए इंटरलॉकिंग खरंजा का लोकार्पण किया।
वहीं नगला सीताराम में जनसुनवाई की। इस अवसर पर विधायक ने कहा, मंगोला की नई पंचायत है, इसलिए पंचायत में बजट का अभाव नहीं होगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय खींची, तहसीलदार आरके यादव, विकास अधिकारी शशि वाला, पंकज कटारा, गोपेश्वर भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी, जगदीश शर्मा, सरपंच रणवीर चौधरी, मोहनलाल गुड्डू, श्रीमन चौधरी, सुकेश गुजर, मानसिंह मीणा, हैप्पी अवस्थी, अजीत गुजर, मुरारी नाटोज, अशोक अग्रवाल, महेश जैन, पंकज कटारा, रामचरण शर्मा एवं राजनीति देवी शर्मा मौजूद रही। वहीं विधायक रमेश खींची ने पंचायत भवन के लिए जमीन दान करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित ईदगाह में सहित क्षेत्र की मस्जिदों में ईद उल अजहा बकरीद के पर्व पर सोमवार सुबह मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की, एक दूसरे को बधाइयां दी। सबसे अधिक लोग गोविंदगढ़ स्थित ईदगाह पहुंचे और नमाज पढ़ी। इमाम मोहम्मद अली ने बताया कि हमारे लिए ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार हम सब मुसलमान के लिए और रहीमी दुनिया के इंसानों के लिए हमें खुशी का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, आपस में मेल मोहब्बत से रहे, किसी से ना इत्तेफाकी ना हो। यह त्योहार का मतलब ही यही होता है कि आपस में प्रेम मोहब्बत से अच्छी तरह से रहे। और हमें गोविंदगढ़ ईदगाह के अंदर तकरीबन 10,000 लोगों ने नमाज ईद उल जुहा अदा की है और सभी इंसानों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जिंदगी में है। त्योहार बार बार आते रहे जाते रहे, हम सब के लिए खुशी का मौका है। भाई हमारे लिए ये ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार हम सब मुसलमानों के लिए और सब रहती दुनिया के इंसानों के लिए हमें ये खुशी का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, आपस में मेल मोहब्बत से रहे, किसी से नाइत्तिफाकी ना हो। ये त्योहारों का मतलब ही यही होता है कि तुम आपस में प्रेम मोहब्बत से रहे और अच्छी तरह रहे और आबाद रहे। और हमने यहाँ इस ईदगाह के अंदर, गोविंदगढ़ ईदगाह के अंदर तकरीबन 10,000 लोगों ने हमारे साथ नमाज ईद उल अजहा अदा की है और ये हम सब के लिए, सब इंसानों के लिए, कोई खास नहीं, सब इंसानों के लिए बहुत बहुत मुबारक। हमारी जिंदगियों में ये त्यौहार बार बार आते रहे जाते रहे, सबके लिए खुशी का मौका है। तिजारा में ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पर सोमवार सुबह मुस्लिम समाज ने शाही ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज से पहले ईदगाह में 7:30 बजे तकरीर बताई गई। तकरीर में बताया गया कि देश में सबको मिलजुल कर रहे, ईद उल जुहा का महत्व बताया गया और ईदगाह में खुतबा पढ़ा गया। उसके बाद ईद की नमाज मौलाना अब्दुल सलाम ने पढ़ाई और नमाज अता करने के बाद समाज के लिए लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस व प्रशासन की माकूल व्यवस्था रही। कांग्रेस नेता इमरान खान, उमर दीन, सहरुद्दीन एडवोकेट, सालिम हुसैन, हाजी इसब, अजहर शाह, मौलाना नोमान, परवेज आदि लोग मौजूद थे। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रिलैक्सो चौक के पास स्थित प्रयाग पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड में ड्यूटी करने का एक कर्मचारी को उसके सहकर्मी ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर घायल कर दिया। ईस्ट दिल्ली के दिलशाद विहार हाल सांथल का भिवाड़ी निवासी अरविंद मंडल ने बताया कि प्रयाग पॉलीमर्स फैक्ट्री में वह और उसकी पत्नी सुमन देवी कार्य करती हैं। अरविंद ने बताया कि गत 13 जून की सुबह 7 बजे वह प्रयाग पॉलीमर्स में काम करने के लिए फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचा तो कंपनी में ही काम करने वाला बिहार के सीतामढ़ी जिला निवासी लालबाबू कुमार लोहे की रॉड लेकर आया और आते ही मुझे जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से मेरे सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसका सिर 4 जगह से फूट गया तथा 2 जगह पर टांके लगे हैं। इस दौरान वह अधमरा होकर घटनास्थल पर गिर गया तो प्रयाग पॉलीमर में ही काम करने वाले अमित कुमार व राहगीरों ने उसे बचाया, अन्यथा लाल बाबू उसे जान से खत्म कर देता। इसके बाद प्रयाग पॉलीमर में काम करने वाले आलोक, प्रशांत कुमार व कंपनी के एचआर के अन्य सदस्य मुझे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया, लेकिन अभी भी वह चलने फिरने में असमर्थ है। अरविंद ने बताया कि घटना की रिपोर्ट भिवाड़ी फैजतर पुलिस थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। वह मंगलवार को मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर SP को ज्ञापन देंगे। आपका तो इनकी क्या लगती हो, जिनके घर झगड़ा हुआ है? मैं वाइफ लग, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये तो हमें कुछ पता नहीं है। आप भी उसी कंपनी में काम करते हो? मैं उसी में काम करती हूँ। मैं 5 मिनट पहले ही उस दिन निकल गए थे और ये वो अचानक से आया, इन पे बार किया। वार किया? उसको जानते हो क्या आप? नहीं, मैं नहीं जानता।
तो अब क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहता हूँ, जैसे मेरे पति का सर से खून बहाया, उनको जैसे कि थाने में बंद किए, 2-4 दिन तो रख के उनको छोड़ दिया। तो आप थाने में गई तो अच्छे तो साहब ने क्या कहा आपसे? उसने तो बोला कि इसको हम बंद कर दिए जी, अब जो भी कार्रवाई होगा पुलिस करेगा, वो तो छोड़ दिया। फिर क्या, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं कार्रवाई की। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है और कौन सी कंपनी का मैटर है? अरविंद मंडल है। मंडल कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार के, अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हो? अभी सतल का पानी टैंकी के पास। तो कौन सी कंपनी का मैटर है सर ये? प्रयाग कंपनी पॉलीमर का। अच्छा, कितनी तारीख की घटना है? 13 तारीख को। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है आपको? उससे मेरा कोई बातचीत नहीं हो रहा था 6 महीना पहले से, अभी भी तक कोई नहीं। वो अचानक से आया और लोहे के सरिया से उसने सिर पे वार किया अचानक से। कितनी तारीख की घटना है? 13/6/2024 को सुबह 7 बजे की बात है। क्या आपने पुलिस की मदद ली? मदद ली थी मगर उसने कोई सुनवाई नहीं की। कितने दिन से पुलिस में गए, कितनी बार गए थे आप? मैं 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। क्या कह रहे हैं अभी पुलिस वाले आपको? बोला यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। खुले में शौच मुक्त करने व स्वच्छता अभियान की कड़वी सच्चाई यह है कि मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत रुंद के अंतर्गत आने वाले ततारपुर चौराहा पर बने शौचालय आज गंदगी के अंबार से अटे पड़े हैं। ततारपुर चौराहे पर रोजाना हजारों की तादाद में यात्री आते हैं जो खुले में शौच करने को विवश है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं व स्थानीय व्यापारियों को करना पड़ता है। सवाल उठता है कि आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है, यह उपखंड प्रशासन को तय करना होगा। शौचालय का आलम यह है कि यहाँ गंदगी का अंबार है। इस शौचालय की स्थिति को देखकर आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे। वहीं जब इस संबंध में मुंडावर पंचायत समिति विकास अधिकारी सानू अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शौचालय की साफ सफाई को लेकर कदम उठाया जाएगा, शीघ्र ही यह समस्या दूर की जाएगी। जब से यहाँ पर यह शौचालय बना है, जब से इसकी आज तक कोई सफाई नहीं हुई है, यहाँ पर डेली व्यापारी और यात्रीगण कम से कम हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ पर खुले में मजबूर हैं शौचालय करने के लिए, और हम व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इसकी जल्दी जल्दी इसको निस्तारण करें, जिससे यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं, जो व्यापारी हैं, उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। मुंडावर उपखंड मुख्यालय को अलवर बहरोड बांसूर कोटपुतली से जोड़ने वाला मुंडावर ततारपुर चौराहा सड़क मार्ग पर बने गड्ढों पर कुछ माह पूर्व पेचवर्क किया गया था, लेकिन अब पेचवर्क के घटिया निर्माण कार्य की पोल स्वतरूही खुलने लगी है। मुंडावर ततारपुर चौराहा सड़क मार्ग पर कई जगह सड़क का डामर गायब हो गया है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें आए दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इन्हीं गड्ढों के बीच से मुंडावर उपखंड मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी रोजाना निकलते हैं, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिसमें लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़क की तरफ से जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में पशु चिकित्सालय में कार्यरत LSA संदीप कुमार घायल बीमार जानवरों के उपचार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव पहल में एक नंदी के बीमार होने की सूचना LSA संदीप कुमार को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचकर संदीप द्वारा नंदी का उपचार किया गया। उपचार के बाद नंदी के स्वास्थ्य में सुधार आया है। अलवर शहर के बिजलीगढ़ चौराहे पर निशा होम केयर द्वारा संचालित प्याऊ पर आज अपना घर आश्रम के सदस्यों और आमजन के सहयोग से दूध शरबत और चीनी आदि से बनाए गए मिल्क रोज का दिन भर तीनों नागरिकों को पिलाकर निर्जला एकादशी के महत्व को चरितार्थ किया। इस अवसर पर अपना घर आश्रम के अध्यक्ष अशोक मेठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार दुआ, सचिव सतीश सारस्वत, डॉक्टर अशोक गुप्ता और उनकी पत्नी के खंडेलवाल, इंद्रदेव आर्य, रमेश खंडेलवाल, सुशील, रजनी, सुभाष नकड़ा, अंजू नकड़ा, त्रिचा एवं उनके पति डॉक्टर अभिनव मेठी, महेश खंडेलवाल आदि ने अपनी सेवाएं दी। यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से सायंकाल तक अनवरत चलता रहा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS अकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपना घर आज शालीमार के गेट नंबर 3 के बाहर राम मूर्ति के पास अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी व उनकी टीम द्वारा भी शीतल शरबत का वितरण किया गया। डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि भगवान विष्णु द्वारा 24 एकादशियों में ज्येष्ठ की एकादशी का विशेष महत्व है, जन कल्याण की भावना से इस एकादशी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेवा कार्य के लिए अपना घर शालीमार की समस्त टीम लगी हुई थी। राहगीरों को रोककर विनय भाव से उन्हें शीतल शरबत पिलाया गया। चतुरंग डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं अलवर चेस क्लब की ओर से प्रथम चतुरंग शतरंज कैंप का आयोजन अपना घर शालीमार स्थित क्लब हाउस में किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर एवं क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अरुण जोशी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 64 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सिंह शेखावत वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय रहे। साथ ही अन्य अतिथि अर्चना व मनीष वर्मा ने खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के साथ ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किए। प्रतियोगिता की ओपन कैटेगरी में प्रथम तरुण अंडाना, द्वितीय कविश यादव, तृतीय अंशु सैनी, चतुर्थ राघव, पंचम प्रणव राज रहे। अंडर 19 कैटेगरी में प्रथम कुमार मनु सारस्वत, अंडर 17 कैटेगरी में प्रथम आशीष कुमार छिपा, द्वितीय राघव परसराम पुरिया, तृतीय मितुल अरोड़ा, अंडर 15 कैटेगरी में प्रथम सौम्या अग्रवाल, द्वितीय चौतन्य अजैन, तृतीय ईशान मित्तल, अंडर 13 कैटेगरी में प्रथम अर्णव मीना, द्वितीय देवांश शर्मा, तृतीय अपित गुनावत, अंडर 11 कैटेगरी में प्रथम उदय खत्री, द्वितीय दिव्यांश वैष्णव, तृतीय ईशान खत्री, अंडर 9 कैटेगरी में प्रथम तेजस वापीवाल, द्वितीय मोहित शर्मा, तृतीय आरोहन यादव, अंडर 7 कैटेगरी में प्रथम आर्य जैमन, द्वितीय सिमरन जुनेजा रही। गर्ल्स कैटेगरी में प्रथम चंचल राजोरा, द्वितीय आरुषि सैनी, तृतीय वाणी गुप्ता रही। प्रतियोगिता में तेज कुमार शर्मा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा चतुरंग रनिंग कैंप का भी अनावरण किया गया। इस दौरान रजनीश जयमन, हर्षवर्धन जोशी, हरिओम भडाना, प्रदीप कुमार शर्मा, यश सोमवंशी, पूजा वर्मा, इनू गुप्ता आदि मौजूद रहे। जिले के डांसर, कोरियोग्राफर और सभी आर्टिस्ट के लिए 3 दिवसीय कलाकार क्रिकेट लीग का रविवार को समापन मोती डुंगरी स्थित होटल स्वरूप विलास में हुआ। टूर्नामेंट के अंतिम दिन 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया। पहला मैच कैप्टन राजू राजस्थानी और कैप्टन सोनी के बीच खेला गया, जिसमें राजू राजस्थानी की टीम ने विजय होकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और दूसरा सेमीफाइनल कैप्टन राहुल नरुका और कैप्टन पुनित के बीच खेला गया, जिसमें कैप्टन राहुल की टीम ने विजय होकर अपनी जगह फाइनल में बनाई। शाम को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कैप्टन राहुल नरुका की टीम ने कैप्टन राजू राजस्थानी की टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर विजेता बने। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रिंकू सैनी रहे और टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन विक्की रहे। टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज राहुल नरुका रहे। इस मौके पर विशेष अतिथि कपिल गोयल, मयंक गोयल, बॉबी नरुला, पीयूष उपाध्याय, मुकेश शर्मा, कैलाश सैनी, कैलाश वर्मा, ज्योतिष सक्सेना, कपिल जायसवाल, राजू सैनी, मास्टर राजू, मास्टर राजन, मॉन्टी सर, चिराग, मुकेश दास आदि थे। टूर्नामेंट आयोजक पुनित सक्सेना ने विजय टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित किया। सभी कोरियोग्राफर और आर्टिस्ट का धन्यवाद करके टूर्नामेंट का समापन किया। सक्सेना एंटरटेनमेंट प्लानर कोरियोग्राफर की तरफ से 3 दिवसीय जो क्रिकेट टूर्नामेंट आर्टिस्ट क्रिकेट लीग का आयोजन किया था, वो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है और 6 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। लगभग सभी का परफॉर्मेंस और खेल भावना से सभी का एक दूसरे के प्रति प्यार था। हमारे कुछ सीनियर लोग भी थे जो डांसर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं, वो इस प्रतियोगिता में आए थे, एंजॉय करने आए थे और सबने एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार दिखाया। आज 2 टीमों का जो फाइनल है, टीम डॉन और टीम तहलका, और उम्मीद है कि अच्छा होगा फाइनल। आर्टिस्ट क्रिकेट लीग हो रहा है तो हम इसके लिए पहले से ही काफ़ी तैयारी करते हैं और बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं और हमें बहुत खेलने का उत्साह मिलता है खेलने का। तो हम लोग सोचते हैं कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें नई नई हुई है तो काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, तो
तो इसलिए मैं पुनीत सक्सेना जी का थैंक वो बोलता हूँ। तीन दिवसीय आर्टिस्ट क्रिकेट लीग का आज फाइनल डे है और 14, 15, 16 तीन दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार बटा, बहुत लोग आए, बहुत मज़ा आया। आज फाइनल डे है और फाइनल डे के दिन भी आज बहुत एनर्जी है सबों में और हमको बहुत मज़ा आया। इसमें सबके मैच हुए, कोई हारा कोई जीता, लेकिन फाइनली जीत आर्टिस्ट की होती है हर तरह से। थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड करा है आर्टिस्ट के लिए, पहले डांसर्स का होता था। पुलिस जान ने आर्टिस्ट को जोड़ा इस बार, सारे आर्टिस्ट को उन्होंने, हमको भी जोड़ा कि इस बार फीमेल्स भी खेलो, मेल्स का नहीं होगा, सारे हम खेलेंगे। तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, भैया ने हमें जो ऐड कराया अच्छा लगा, हमें खेल के सारी टीम्स के नाम भी मूवीज़ पे रखे गए ताकि आर्टिस्ट की पूरी जुड़ी रहे, इसलिए बढ़िया। धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सक्सेस देने को कि उन्होंने इस खेल के माध्यम से हमारे जितने भी जो आर्टिस्ट लोग हैं सभी को इकट्ठा किया। चार साल से हमारा एक डीसीएल नाम से टूर्नामेंट चला आ रहा है, लेकिन इस बार पुनीत जी ने पहल करी जो एसीएल से, जिसमें आर्टिस्टों को भी खिलाया गया, जिसमें हमारे म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर्स जो भी हमारे स्लिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस खेल के माध्यम से सबको इकट्ठा किया। और मैं पुनीत सक्सेना की दोबारा तारीफ से देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने इस टूर्नामेंट को एक सहयोग रूप से अच्छे स्तर पर कराया और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि पुनीत सक्सेना इस तरह के टूर्नामेंट कराते रहे। पुनीत सक्सेना जिन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएट लिया और सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, जिससे मिलना भी हुआ और एक खेल भावना से मिले, क्योंकि कोई जीतता है कोई सीखता है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी पुनीत जी को जिन्होंने इतना बड़ा हमको मौका दिया मिलने का भी और खेलने का भी। थैंक यू सो मच। मुस्लिम समाज की ओर से ईदगाह में ईद का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर की ईदगाहों में ईद की नमाज अता की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। जिला मुख्यालय पर नयाबास स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद अमजद ने ईद की नमाज अता कराई। इस दौरान देश व दुनिया में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुबह करीब 7 बजे से ही मेव समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए नयाबास स्थित ईदगाह पहुंचने शुरू हो गए थे और ईदगाह पूरी तरह भर गई। ईद की नमाज के बाद नमाजियों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भेदभावों को भुलाकर समरसतापूर्ण समाज स्थापित करने की अपील की, जिससे सामाजिक समृद्धि के साथ साथ विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज जो है ईद उल अज़हा की नमाज मौलाना अमजद साहब की क़यादत में पढ़ाएगी। मेरे से पहले इमाम साहब ने सब कुछ बता दिया है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, जैसा कि उन्होंने बताया है कि हज़रत इब्राहिम साहब ने अपने साहबजादे की जो अल्लाह ताला ने उनकी उसमें कुर्बानी मांगी थी, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते थे अपने बेटे से और उतनी ही मोहब्बत अल्लाह ताला से करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप मेरी राह में किस चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं, सबसे प्रिय चीज़ आपका बेटा है, कर देंगे आप। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जगह दुम्मे को रख दिया और उन बेटे को बचा दिया। उसी की याद में ये त्याग, बलिदान और ये मोहब्बत का त्यौहार है, इसी की ये नमाज की गई है। हम समस्त देशवासियों को, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इस समय पर एक मोहब्बत और ईदगाह ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं, साथ साथ ये अपील भी करते हैं कि देश में भाईचारा, मोहब्बत और इसी तरह का त्याग और बलिदान सब लोग दें और देश की तरक्की में आगे चलें। शुक्रिया। आज जो है, जैसे कि हमारे मुस्लिमों में दो त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें एक ईद उल फितर का दिन है जो रमजान के फौरन बाद आता है और एक आज ईद उल अज़हा का दिन है जिसको हम और आप बकरीद कहते हैं। इस मौके पर मुसलमान जो है कुर्बानी देते हैं, जो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पूछा गया सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे जो आज से 5000 साल पहले तकरीबन पैदा हुए, उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे जहाँ से कुर्बानी का सिलसिला चला है। तो आज सारे मुसलमान जो है कुर्बानी देंगे और आज इस मौके पर हम तमाम जिले वासियों को, सूबे वासियों को, देशवासियों
देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं, सबको हम अपनी खुशियों में शरीक करते हैं। आज ईदगाह नयाबाज की ईदगाह में क्या क्या किया गया? आज ईदगाह में नयाबाज के में पूरी तैयारी हमारी कल से ही चल रही थी और सारी बिछाई की गई, सारी जो है सफ़े बिछाई गई और सुबह जो है 7:30 बजे जो है तकरीर शुरू हुई, उसके बाद जो है की नमाज की नियत बताई गई और फिर नमाज अदा की गई, उसके बाद दुआ की गई मुल्क में अमन चैन की, उसके बाद खुतबा पेश किया गया और नमाज पूरी हुई। तकरीर में क्या विषय? तकरीर में विशेष रूप से ये बताया गया कि हमारे जितने भी देश में मजाहिब हैं, जितने रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलजुल कर करें, एक दूसरे के मजहब की रेस्पेक्ट करें, जिसको कानून ने और हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं हिंदू भाई, जो जिसको अपना, जिस जानवर को वो अपना जो है कुछ भी मानते हैं, अपनी उनकी मान्यता है, वो अपनी माँ मानते हैं, आस्था है उनकी, वो जो है उनका धर्म है, तो उसका ऐसा काम हम हरगिज़ ना करें जो उनको ठेस पहुँचे। जी, आपका नाम? आपकी नमाज आज हुई है विशेष? दो रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा। आपका नाम सर? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अमजद, इमाम नयाबाज ईदगाह कलकुआ अलवर। अलवर के वार्ड नंबर 13 की महिलाओं ने पानी की समस्या व लंबे समय से समाधान ना होने से परेशान होकर शहर के बजाजा बाजार में जाम लगाकर मटके फोड़े और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। सूचना मिलते ही थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम लगा रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने पहले पेयजल समस्या का समाधान करने की बात कही। इस दौरान जाम लगने के कारण बजाजा बाजार के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने बताया उनके वार्ड क्षेत्र 13 में पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं पानी के लिए दर दर भटक रही हैं। कई बार जलदाय विभाग में जनप्रतिनिधि को अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मजबूरनवश उन्हें जाम लगाना पड़ा। लता जैन, आज किस लिए जाम लगाया आपने? पानी के लिए लगाया है, XCN के पास, JEN के पास, AEN के पास, सबके पास हो जाए, 8-8 चक्कर लगाया है, कोई सुनता ही नहीं है, आज आ जाएगा पानी, आज आ जाएगा। 3-3 महीने हो गए पानी आए, कैसा भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, ना पीने का ना वैसा, कैसा भी नहीं आ रहा। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? टैंकर डलवा रहे हैं, 700-700 रुपए के टैंकर आ रहे हैं, कहाँ तक डलवाएं? गलियों में तो गरीब आदमी रहते हैं, पैसे वाले थोड़ी हैं कोई, पैसे वालों को तो आ रहा है पानी, हम कहाँ से डलवाएं टैंकर रोज? 700 रुपए का टैंकर, 700 रुपए का टैंकर आ रहा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बनी रहिए न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th एंड टारगेट बैच, न्यू बैच स्टार्ट IIT, NEET, CA, 6th to 12th class Foundation Humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS, JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्किल, अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को ईद का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नमाजी आशु खान ने बताया कि इस अवसर पर ईदगाह लपाला में मौलवी इकबाल खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अता कराई। इसके बाद सभी ने समाज सहित सर्व समाज के लोगों को एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए देश में अमन चैन की कामना की। इस अवसर पर बसारत खान, लल्ली हाजी, पोला हाजी, आस मोहम्मद, सुबेदीन, छुट्टन खान, बरकत खान, पप्पू खान, जावल खान, ताहिर खान, सहरून खान, इम्तियाज अली सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के 86 लोगों ने परिवेदनाएं प्राप्त हुई। मंत्री शर्मा ने जन सुनवाई में आए फरियादियों की परिवेदनाओं को निर्देशित किया कि किसी भी माध्यम से आमजन की परिवेदना प्राप्त होवे तो उसको संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारित करें।
भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर दो मैच हुए। सनराइज घटाल और गर्व लायंस के बीच टॉस हुआ। गर्व लायंस ने कैप्टन निशांत शर्मा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि सनराइज घटाल ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का स्कोर बनाया। 20 ओवर में 6 विकेट खोकर गर्व लायंस ने 192 रन 2 विकेट खोकर बना दिए। कैप्टन निशांत शर्मा ने बैटिंग में 50 रन 31 बॉल में और 2 विकेट लिए। राहुल दाहिया ने 53 रन और विकेट कीपर डॉक्टर जतिन ने 63 रन 46 बॉल में बनाए और टीम को जीत दिलाई। इस मैच के मैन ऑफ द मैच निशांत शर्मा रहे, जिन्हें अशोक पोसवाल ने गिफ्ट देकर सम्मानित किया। दूसरा मैच बिग बीटर्स और अरावली सुपर किंग के बीच हुआ। टॉस बिग बीटर्स ने जीतकर बैटिंग का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए बिग बीटर्स ने 199 का स्कोर बनाया। 20 ओवर में 6 विकेट खोकर बिग बीटर्स के कैप्टन जितेंद्र राठी ने बैटिंग में 59 रन 44 बॉल में बनाए। दूसरी पारी में अरावली सुपर किंग ने एक तरफ रमन सिंह की पारी से यह मैच जीत लिया। रमन सिंह ने 154 रन 63 बॉल में बना दिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। मुंडावर उपखंड के सोडावास अजर का मार्ग सराय बस स्टैंड के समीप गांव गोलाहेड़ा धाम श्री ज्योतराम मंदिर परिसर में 11 धुने की अग्नि तपस्या मंदिर परिसर में भक्त मुकेश के द्वारा भीषण गर्मी के मौसम में चली, जिसका समापन शनिवार मंदिर के श्रद्धालु के तत्वावधान में प्रातः 9:15 हवन व कलश यात्रा, शाम 5:15 एवं रात्रि को भंडारे व जागरण का आयोजन ज्योतराम सेवा समिति मंडल गोलाहेड़ा धाम भक्त मुकेश के सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया। जागरण में गायक कलाकार महेंद्र सिंह भट्टी एंड पार्टी ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मसेना प्रदेश महामंत्री हरियाणा भक्त सत्यवान जीतपुरा धाम रहे। कार्यक्रम में ज्योति प्रचंडकर्ता महंत सोमनाथ गिराशर धुने से रहे। लायंस क्लब राजगढ़ एवं श्री साई क्लिनिक जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में श्री ब्राह्मण धर्मशाला राजगढ़ में हड्डी रोग एवं मधुमेह जांच एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया। लायन खेम सिंह आर्य एवं संयोजक मदन लाल शर्मा ने बताया कि शिविर में डॉक्टर दिव्यांग गुप्ता एवं डॉक्टर कनिका हिसारिया ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इससे पूर्व पुलिस उप अधीक्षक मनीषा मीना, क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने फीता काटकर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक मदन लाल शर्मा ने बताया कि शिविर में 122 मरीजों की हड्डी की जांच, बीपी, वजन एवं मधुमेह की निःशुल्क जांच कर उपचार किया गया। आज दोपहिया वाहनों में विश्व विख्यात रहे बजाज चेतक स्कूटर का अब इलेक्ट्रिक अवतार आ गया है। कई विशेषताओं के चलते लॉन्चिंग से पूर्व ही भारी मांग सामने आई है। धोकरिया बजाज शोरूम अलवर के डीलर कमल धोकरिया ने बताया कि बीते 2 वर्ष से कई कंपनियों के दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में है। बजाज का अपना नाम और ग्राहक सेवा में अग्रणीय होने से सुरक्षित सफर के उद्देश्य से बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कमल धोकरिया ने बताया कि बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खूबी कि इसे फाइबर में नहीं बल्कि मेटल से बनाया गया है। एक बार चार्ज करने पर 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चार्जिंग में भी अन्य के मुकाबले कम समय लगेगा। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।